वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस ये वीडियो स्पॉन्सर है द फोर सीजन। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जो कि भागलपुर में भी नया ही बना है। तो मैं ये रेस्टोरेंट नहीं कहूँगा, मैं इसे मल्टीपल रेस्टोरेंट कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। तो रेस्टोरेंट में क्या कर सकते हैं, बस खा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप मॉकटेल पीना चाहते हो तो यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप हुक्का पीना चाहते हो तो यहाँ पर अवेलेबल है, अगर यहाँ पर आप पार्टी करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो वो भी अवेलेबल है। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस द फोर सीजन। तो गाइस यहाँ पर प्राइवेट प्लेस भी है, आप समझ सकते हो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर इतना कुछ है, तो इसलिए मैंने नाम रख दिया मल्टीपल रेस्टोरेंट। ऑलराइट, मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट आखिर है कैसा, अंदर का क्या है, इंटीरियर का खाना कैसा है, टेस्ट में कैसा है, एंड वहाँ जाना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। हर चीज आपको पूरा डिटेलिंग में बताने वाला, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, प्लीज गाइस स्किप मत करना और वहाँ जाकर विजिट करना, काफी मजा आने वाला। तो चलो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस अपना सफर शुरू हो चुका है। तो गाइस ये रहा फैमिली फूडिंग एरिया। तो गाइस जैसे एंट्री करते हैं सबसे पहले हमारा नजर पड़ता है यहाँ के इंटीरियर पे, जो कि काफी सेक्सी यार, बहुत ही आई कैची है। तो गाइस अब चलते हैं थोड़ा यहाँ से ऊपर। ये गाइस सेकंड रूट, जो कि अगर जिसको इधर से नहीं आना है वो इधर से भी आ सकता है, इधर से आप समझ ही सकते हो कि किसके लिए होगा, इधर से आ सकता है ये सीढ़ी। अंदर आने के बाद तो भाई एक अलग जोन है यार, देख सकते हो काफी प्यारा है यार। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि हुक्का तैयार हो रहा है, तो ये हुक्का भैया बना रहे हैं। भैया आपका नाम? चंदन। ये क्या है? ये मैजिक कोर है सर, इसका हुक्का रेडी हो गया है, अभी ये थोड़ा तैयार चार्ज करना होगा। कौन से फ्लेवर है भैया? ये AK-47 है सर। AK-47 जी, यंगस्टर को थोड़ा ज्यादा पसंद होता है AK-47 और कमिश्नर। अच्छा, तो गाइस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। गाइस आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई हमको हुक्का क्या स्मोकिंग आता ही नहीं है, ठीक है? तो देख सकते हो आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि काफी ज्यादा खांसी आने लगा।
देख सकते हो हुक्का काफी वैरायटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर हुक्का के बारे में कुछ बात करते हैं भैया से। कौन कौन सा वैरायटी का हुक्का है? हुक्का में सर फ्लेवर्स देखिए, जैसे कि हमारे पास 25 से 30 तरह के फ्लेवर्स हैं। कुछ यहाँ डिस्प्ले है, बाकी कुछ वहाँ डिस्प्ले है। अच्छा, जिसमें कि दो टाइप के हैं, एक नॉन हर्बल है और दूसरा हर्बल भी। अच्छा, तो दोनों तरह के हुक्का के फ्लेवर्स प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉट्स है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट है, ये अलग है। जिसमें कि आखिर ये सब में क्या कि सब में तो हुक्का ही पी सकते हैं? जी जी जी, सब में हुक्का ही पिया जाता है। ये होता है कि सबका फ्लो का जो होता है, किसी में आपको खींचना ज्यादा पड़ता है, किसी में कम खींचने से ही फ्लो ज्यादा आता है। अच्छा, वही सबका वेरिएंस है, बाकी तो सब में हुक्का ही पिया जाता है। तो यहाँ पर हमको सबसे बड़ा दिख रहा है जो कि बुर्ज खलीफा कितना बड़ा दिख रहा है, वो खलील हुक्का है। खलील हुक्का? जी जी, वो खलील हुक्का है। दुबई में एक फेमस हुक्का वाले हैं जिनका कि नाम है खलील। खलील? जी जी, उनके ही नाम पे हुक्का? जी जी जी, उनके ही नाम पे वो हुक्का का ये इनोवेशन किया गया है, वो वहीं से मंगाया गया है। हुक्का के बारे में तो बात कर ली, बट इसके प्राइस के बारे में बात नहीं करे, तो इसके प्राइस पहले जान लेते हैं कि भाई कितने से स्टार्ट होता है और कितने में एंड होता है। 550 रेंज से स्टार्ट होता है सर, और लास्ट है उसका 1250। इसमें से कोई भी पॉट और कोई गाइस बुर्ज खलीफा जो देख रहे हो ये सबसे महंगा। तो गाइस हुक्का के बारे में तो बात कर ली, अब चलो मॉकटेल के बारे में बात करते हैं। तो भैया मॉकटेल के बारे में कुछ बताइए। मॉकटेल के बारे में सर, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ड्रग्स सिरप्स और शेकर्स मटलर सब है। तो मॉकटेल में भी काफ़ी वैरायटीज है हमारे पास, जैसे वर्जिन मोइटो हो गया, मैंगो जूलियस हो गया, ब्लू लगून। सबसे बेस्ट कौन है? सबसे बेस्ट और जो मोस्ट पीपल लाइक करते हैं, डिमांडिंग है, वो वर्जिन मोइटो हो गया सर, और ब्लू लगून, वर्जिन ब्लू लगून। अच्छा, ये दोनों। और बच्चे लोगों में थोड़ा ये है कि फ्रूट पंच का थोड़ा ज़्यादा क्रेज रहता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. यार पर्सनली बात होता, तुम लोग कुछ और मत समझ। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ, ठीक है। हम आराम से पर्सनली बात कर सकते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल छः प्राइवेट प्लेस है। फैन चल रहा है और एसी भी है। ऐसा नहीं है कि बस फैन चल रहा है तो भाई ठंडा लगेगा ही नहीं, गर्मी लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, एसी का भी कूलिंग आएगा। आराम से आप लोग अंदर आओ, अगर गुफ्तगू करो बोले तो बात करो। तो गाइस अगर रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि भागलपुर में इतना कुछ एक ही रेस्टोरेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है भैया, मिलते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है गाइस, मार देना एक लाइक। और मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए व्लॉग में, बट इसके बाद जो व्लॉग आने वाला काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि भाई मैं भागलपुर के अंदर आप लोग को मेरे को एक अपडेट आया, अभी नहीं बताऊंगा, वो व्लॉग के दिन बताऊंगा। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, याद रखना।